अयोध्या जनपद का जिला अस्पताल शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। शाम होते ही जिला अस्पताल के परिसर में शराबियों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। ओपीडी के बरामदे में शराबी खुलेआम बैठकर शराब पीते हैं। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ओपीडी के बरामदे में शराब की बोतलें पाई गई हैं। ये पहली बार नहीं है जब जिला अस्पताल के ओपीडी के बरामदे में शराब की बोतलें पाई गई हैं। इससे पहले भी इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों के रेस्ट रूम में भी इस तरह की शराब की बोतलें व बियर के कैन पाए जा चुके हैं। जिला अस्पताल में शराबियों का जमावड़ा एक रूटीन प्रक्रिया बन चुका है, जिसका कभी कभार इस तरह का वीडियो वायरल होता है कि जिला अस्पताल परिसर या किसी वार्ड कमरे में शराब की बोतलें पाई जाती हैं। ऐसा तब होता है जब शराबी शराब पीने के बाद वहां बोतलें भूल जाता है। अक्सर शराबी यही करते हैं कि शराब पीने के बाद वह बोतलें कहीं और फेंकते हैं, लेकिन जब शराब का नशा ज्यादा हो जाता है तो इस शराब की बोतलें वहीं पर फेंक के चले जाते हैं और सुबह शराब की बोतलों का एक वीडियो वायरल होता है। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सीबीएल त्रिपाठी ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। बाहरी तत्व भी जिला अस्पताल परिसर में जाकर शराब पीते हैं। गार्डों से कहा गया कि वह शाम के वक्त चौकसी बढ़ाएं। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी गई है कि वे शाम के वक्त छापा मारकर शराबियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अक्सर किसी बर्थडे पार्टी पर डॉक्टरों के रेस्ट रूम में भी कॉकटेल पार्टी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें डॉक्टर, वार्ड बॉय, मेडिकल स्टोर के दलाल और बाहरी तत्व भी शामिल होते हैं। पहले भी इस तरह के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज भी जीरो है। यह राउंड तो मैंने देखा था, उस समय तो नहीं उपलब्ध थी, लेकिन मेरे भी संज्ञान में लाया गया कि उसके एक कमरे के बाहर पड़ी हुई थी। रात में लोग आते हैं, कभी कभी कुछ लोग अवांछित लोग भी अस्पताल में आते हैं, अपना दारू पी के फेंक देते हैं। मैंने व्यवस्था बनाई है कि जो रात में होमगार्ड रहें हर दो दो घंटे पर भ्रमण कर लिया करें। ऐसे लोग जहाँ कहीं इकट्ठे हों तो उनके विरुद्ध जो है भगा दिया जाए, और अगर रेसिस्ट करते हैं तो तुरंत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस आशय का मैं सूचना जो है स्थानीय चौकी को भी दे दे रहा हूँ। पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई? पकड़े जाने पर पुलिस को सौंप दिया जाएगा, पुलिस कार्रवाई करेगी।